अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये बहुत मशहूर है, इनको सब जानता है कि हाँ वो यहूदी स्कॉलर थे, बाद में इस्लाम कबूल किया। बट एक और थे टॉप मोस्ट स्कॉलर में से आते थे, उनका नाम नहीं जानते। कौन से वो साहबी थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत की थी, उनको नमाज पढ़ाई थी? बहुत लोगों को लगेगा अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, बकर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा अलैहि सलाम के कान में बोला, अस्सलामु अलैकुम गाइस, दिस इज आकिब नदीम, यू आर वाचिंग मी ऑन चैनल एंड खान, आई एम बैक अगेन विद अ ब्रांड न्यू व्लॉग। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आई नो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई अपलोडेड माय लास्ट व्लॉग, बट दिस टाइम ट्रस्ट मी गाइस, आई फील लाइक आई एम डूइंग द राइट थिंग। यू नो व्हाट, इससे पहले जब मैं कभी व्लॉग्स बनाता था, कंसिस्टेंट तो नहीं रह पाता था, बट मैं कोशिश करता था हर दो तीन दिन में एक वीडियो डाल दूं। उन व्लॉग्स में भी मैं यही बोलता, सेम इंट्रो रहता था, अस्सलामु अलैकुम गाइस, दिस इज आकिब नदीम, यू आर वाचिंग माय चैनल एंड खान, बैक अगेन विद अ ब्रांड न्यू व्लॉग। और ये जो बैक अगेन विद अ ब्रांड न्यू व्लॉग है ना, बहुत अब्सर्ड लगता था। ऐसा लगता था अभी तो दो दिन पहले ही वीडियो डाला है, फिर से बैक अगेन, क्या किश्त में वीडियोस बना रहा है। बट दिस टाइम, इस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैंने कोई गुनाह अजीम नहीं किया, क्योंकि इस बार सच में मेरी हाफ सेंचुरी होने वाली थी। आई थिंक आई नीड अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, तालियों के साथ गालियां मत दीजिएगा प्लीज। 50 दिन होने वाले थे जब मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, और मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ये बोलना चाहे, तू किधर घुस गया था रे, किस कोने में था रे, क्या रे तू खाली पीली बंकस कर रही ला, भैया कहां छुप गए थे, वीडियो नहीं बनाते भैया आज। मुझे पता है आपके दिल में ये सब सवाल आ रहे होंगे, बनाना चाहिए भाई जान, वीडियो बना दिया करो भाई जान। आपके इन सारे सवालों के जवाब, एक एक सवाल के जवाब मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं बताऊंगा मैं इतने दिन से वीडियो क्यों नहीं बना रहा था। खैर, इस बीच में मैंने जो जो काम किए हैं वो से शेयर करूंगा इंशाल्लाह। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया हुआ था कि मैंने एक सॉरी फॉर द अंधेरा सर, एकदम चकाचक कर लेना, ये बुक का मर्सी टू द यूनिवर्स, अरे इसको कहीं सईद बिन अली बिन वफ कहतानी, ये मैंने आपको बहुत पहले दिखाया हुआ था कि इसे आप पढ़ सकते हैं, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर, और बहुत अच्छी है। 448 पेजेस हैं टोटल, 2 महीने के करीब लग गए इसको खत्म करने में, क्योंकि मैं बीच में छोड़ दिया था, पढ़ ही नहीं रहा था। इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स जो है वो मैंने मार्क किए हैं, जो मुझे जरूरी लगे, आपको क्या पता वो लगेंगे, क्या चिंदी पॉइंट्स हैं, इल्म में इजाफा करेगा। फिर से तंबू को हम अपने हाथ में संभाले, अपनी चोपड़ी निकालते हैं, इस चोपड़ी में बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं। अगर आप इस्लामिक स्टडीज करते हो तो उनमें भी ये सब चीज से कभी क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं, और वैसे भी आपको याद रहना चाहिए। सबसे जरूरी पॉइंट, हु वाज दैट सहाबी हु लेड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन प्रेयर, कौन से वो सहाबी थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत की थी, उनको नमाज पढ़ाई। बहुत लोगों को लगेगा अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, बकर। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लीड नहीं किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जगह पर खड़े होकर दूसरे सहाबियों को लीड किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक्सक्लूसिवली सिर्फ एक सहाबी ने लीड किया हुआ है नमाज में, और वो है अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आप नाम याद रखिएगा, ये अशरा मुबशरा में से भी है, जो 10 लोग जिनको जन्नत का जो है गारंटी दिया हुआ था। दूसरा जरूरी चीज, फर्स्ट अहले बैत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से जो है फर्स्ट अहले बैत जिनकी वफात हुई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, बहुत जरूरी चीज है, इसको आपको जानना जरूरी है, वो है फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वालेकुमुस्सलाम, पहले है मतलब अहले बैत में से जिनकी वफात हुई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, 6 महीने बाद। और इसके हदीस में भी आता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आखिरी वक्त में उनको बहुत दर्द हो रहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आई उनके पास, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा, इस्तकबाल किया, उनको बैठाया पास में, और फिर उनके कान में एक बात बोली, यार रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बहुत लंबा जा रहा है, सिर्फ अलैहिस्सलाम, सारे अहले बैत को अलैहिस्सलाम बोलता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा अलैहिस्सलाम के कान में बोला, मेरा वक्त आ चुका है जाने का। तो फातिमा अलैहिस्सलाम बहुत गमजदा हुई, वो रोने लगी। उसके बाद फिर दूसरी चीज बताई तो उनको उसके खुशी हुई, क्या तुम इससे राजी नहीं हो कि तुम जन्नत की जो औरतें हैं उनकी तुम सरदार रहोगी? तो इससे बहुत खुश हुई, और फिर ये भी बताया कि मेरे बाद सबसे पहले जो मेरे खानदान में से मेरे पास आएगी फातिमा अलैहि सलाम है। तो पहली अहले बैत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वफात पाई है वो फातिमा अलैहि सलाम है। तीसरी चीज, अच्छा आपने बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि यहूदी जो थे बहुत स्ट्रॉन्ग थे मदीना के, उनमें से पढ़े लिखे लोग भी थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते भी थे, पहचानते भी थे कि आखिरी नबी है, बट फिर भी वो रेसिस्ट कि हमारे कबीले में से नहीं, ब्लड लाइन में से नहीं है ये नबी, अरबियों में से कैसे आ गया, तो इसलिए एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो उनमें से जो स्कॉलर्स थे ना, उनमें से जो इस्लाम को बोल किया, वो अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये बहुत मशहूर है, इनको सब जानता है कि हाँ वो यहूदी स्कॉलर थे, बाद में इस्लाम को बोल किया अब्दुल्ला बिन सलाम। बट एक और थे जो यहूदी स्कॉलर थे, टॉप के स्कॉलर थे, टॉप मोस्ट स्कॉलर में से आते थे, उनका नाम नहीं जानते, ज़ैद बिन सना, तो ये भी नाम आप याद रख सकते हैं। चौथा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अहले बैत में से, एक्सक्लूसिवली अहले बैत वाला नहीं है, एक्सक्लूसिव अहले बैत होते वो सिर्फ फातिमा अलैहि सलाम, मौला अली अलैहि सलाम, हसन अलैहि सलाम, हुसैन अलैहि सलाम, ये सब मतलब उस फैमिली से आते हैं। आयशा रज़ियल्लाहु तआला भी अहले बैत में से, अल्लाह ताला ने कुरान में गवाही दी कि वो अहले बैत में से है, हमारे असलाफ थे जो हदीस की बुक्स कंपाइल किए, और ये सब जो है एक्सक्लूसिवली अहले बैत मौला अली अलैहि सलाम और उनके खानदान वालों को ही लेते थे। जो मतलब वाइफ्स किस आखिरी वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी गोद में शहादत पाए वो थी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। हदीस में आता है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सीने पे सर रख के उसके बाद वहाँ पे उनकी वफात हुई। ये इंपॉर्टेंट है भी।
फर्स्ट सहाबी टू गो ऑन एक्सपेडिशन ऑफ रोम, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको सिपाही सालार बनाकर भेजा था, कमांडर बनाकर भेजा था, सबसे पहला सहाबी जिसको भेजा था रोम में, वो थे उसामा इब्न ज़ैद इब्न हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु। 18 साल की उम्र पे उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा हुआ था, 18 साल की उम्र पे। यहाँ मैं 22 साल का हो गया हूँ, वीडियोज़ बना रहा हूँ, ये है मेरी जिंदगी। और तो और इनके अंडर में अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, दो खलीफा वक्त अंडर में किसके, उसामा इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु, जो कि 18 साल के हैं। यहाँ भाई साहब आज नमाज कोई मस्जिद में पढ़ा देता है, बूढ़े अगर खड़े हैं और जवान लड़का जाके पढ़ाते हैं, अरे गुस्ताखी कर दी। इस्लाम में नहीं, इस्लाम में अमीर वो बनता है जो कैपेबल होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी कैपेबिलिटी देखी तो उस हिसाब से बनाया। जिस मस्जिद में जाता हूँ नमाज पढ़ने, अगर वहाँ पे पहले बच्चे जो हैं बहुत शौकीन होते हैं, एक चीज़ है ये सबको पता है कि बच्चे शोर शराबा करते हैं, मतलब डिस्टर्बेंस करते हैं, आगे के सफ में खड़े जाते हैं, मगर सारे बच्चे नहीं, कुछ बच्चे वहाँ रहते हैं ना जो बहुत पहले ही चले जाते हैं, वज़ू बनाकर बैठे रहते हैं, वेट करते हैं और वो पहली सफ़ में खड़े रहेंगे, तो वो बेचारे ऑलरेडी डरते डरते आखिरी में खड़े होते हैं, सफ़ आगे वाले सफ़ में रहेंगे फिर भी एकदम किनारे दीवार से चिपक के खड़े होंगे कि बीच में ना आए किसी को, मतलब कोई डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करें। मगर उनमें भी जब बड़े आते हैं ना, बड़े धौंस में एकदम लेट में आएंगे, एकदम वज़ू बना के, इकामत होने लगेगी तब आएंगे और वो बच्चों को ए पीछे जा। आपको किसने हक दिया कि वो बच्चा जो मतलब इतने मेहनत से वजू बनाकर आया हुआ है और वो बहुत पहले अव्वल वक्त पे आके उसके बाद वो सफ में खड़ा हो गया नमाज पढ़ने के लिए, आपको किसने हक दिया उसको हटा दो? शायद अब्दुल्ला इब्ने अब्बास या अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, पता नहीं दोनों में से कोई एक सहाबी थे, अब्दुल्ला तो नाम था उनका और उस सहाबी के बेटे थे। वो जब छोटे थे किसी चीज़ पर सवार होकर आए, सामने पहले आए और सामने से उतरे, फिर आके अगली वाली सफ में ज्वाइन कर लिए और नमाज पढ़ने लगे। फिर वो जब नमाज खत्म होगी किसी साहब ने उनको कुछ नहीं टोका रोका। ये हो गई मेरी बुकिश बातें, अब बुक से रिलेटेड बातें मैंने ख़त्म कर दी हैं। इतनी सारी बातें करने के बाद जो ज़रूरी चीज़ थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था तो मैं भूल ही गया। अरे बदतमीज, हमारा माइक काफ़ी लंबा है, हम जहाँ तक जाएंगे वो ये हमारा साथ देगा। वो ज़रूरी चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसको फिर से ठिकाने पर लगा दो भैया। इस बुक को ख़त्म करने के बाद मैंने सोचा क्यों ना आप कहीं और हाथ पांव मारा जाए, ऐसे खाली नहीं बैठना चाहिए, ज़िंदगी में कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए, और खास करके जब वो इस्लामिक चीज़ें हो तो उनको बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए। इसी बीच अमेज़ॉन से ये दो बुक ऑर्डर की है, रियाद-उस-सालिहीन इमाम अल-नववी की रहिमहुल्लाह। एक जगह थी उसका नाम था नवा, टाउन था, कस्बा था, गांव था, क्या था मेरे को याद ही नहीं है, मैं बताएगा पढ़ के बताएगा, रुको रुको। नववी रिफर्स टू नवा, अ प्लेस नियर डमस्कस इन द सबर्ब ऑफ द सिटी ऑफ हौरान। देखा हमारा बात सही निकला, हम बिल्कुल सही बोले थे। नवा नामक जगह पर रहते थे इमाम अल नववी रहिमहुल्लाह, डमस्कस के पास की जगह थी। तो उनकी ये बुक है रियाद-उस-सालिहीन, पूरी टोटल हदीस की बुक है। आपको कोई भी मसला होगा ना, इमाम अल नववी रहिमहुल्लाह ने क्या किया हुआ है, पहले ये कुरान की आयत लेकर आएंगे, फॉर एग्जांपल। अच्छा पहले इसको दिखाता हूं आपको, अरे देवरे देवा, सिंसियरिटी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इंटेंशंस फॉर All actions apparent and hidden. अब ये बाप देख रहे हैं आप, ये नियत के ऊपर। उसके बाद वो नीचे कुरान की आयत लेकर आते हैं, ये देख। And they were commanded not, but that they should worship Allah and worship none but Him alone. Ahad. And perform a salat, और नमाज पढ़ें। And give zakat, और zakat भी दे। And that is the right religion. उसके बाद फिर वो हदीस लेकर आते हैं नीचे। पहली हदीस है उमर बिन खत्ताब, सेकंड कैलिफ ऑफ इस्लाम से, रज़ियल्लाहु अन्हु। The deeds are considered by the intentions. आमालो बिन नियत, ऐसे करके है ना हदीस, वही है। नीचे रेफरेंस भी दिया रहता है, ये बुखारी और मुस्लिम दोनों में ये हदीस है, तो यहाँ पे नीचे लिख कर दे दिया, हालांकि नंबर नहीं दिया हुआ बट दिखा देता है कि किस बुक से ली गई है। तो ये बुक बहुत अच्छी है, इसकी दो वैल्यूम है, दारुस्सलाम वालों की पब्लिकेशन है ये, इतना अच्छा जो कैलीग्राफी देख रहे हैं ना इसी का सारा पैसा ले लेते हैं दारुस्सलाम वाले। अब ज़्यादा मैं रोज स्टडी करना चाहूँगा बट हाँ बहुत महंगा देते हैं दारुस्सलाम पब्लिकेशन वाले, बुक जो है बहुत महंगा देते हैं। एक और इदारा पब्लिकेशन करके, वो उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती बट कंटेंट तो अंदर सेम ही रहता है ना, लिखा हुआ तो सेम ही रहेगा ना। ऐसा नहीं है कि इमाम अल-नववी ने कोई यहाँ पे हदीस लेकर आए हो तो दारुस्सलाम वाले जो है उसको अच्छा बना कर दे देते हैं तो पैसा ज्यादा लेते हैं, लिखा सेम रहता है, कंटेंट सेम रहता है, क्वालिटी बस रहती है, ये छूने में अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है, तो इसके पैसे जो है दारुस्सलाम वाले कुछ ज्यादा ही चार्ज कर लेते हैं। दो बुक्स मुझे अभी कंप्लीट करनी है तो मैं सोचा ये भी आपसे शेयर करूं, ये आप ले सकते हो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। इनमें टोटल हदीस आपको मिलेंगे और कुरान की आयतें मिलेंगे, इनमें कोई बुजुर्ग बाबे की किस्से कहानियां नहीं है, कोई भी उल्टे सीधे वाकयात नहीं है जो बेसनद हो, जिनकी कोई सनद ना हो, कोई भी बकवास चीजें नहीं है। दिस इज टोटली रिलेटेड टू द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज कंपेनियंस। खलास।